कहाँ हो तुम? वहाँ से मिलने आए हो? एनिवर्सरी सिर्फ मेरी है क्या, तुम्हारी नहीं है? तुमने वो आंटी को तो इनवाइट नहीं किया ना? प्लीज हमको इनवाइट मत करना, तुम जानते हो ना वो इस तरह की गैदरिंग में खुद को अनकंफर्टेबल फील करती है, फिर वो पटांग हरकतें करती है, मुझे एम्बैरेस फील कराती है, तुम समझ रहे हो ना? सब समझ रहा हूं, नूर बच रहा, डोंट वरी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शो दिस इज फ्रॉम माय हस्बैंड। से भी बहुत शौक है मुझे सरप्राइजेस देने का। तो उम्मीद है बस कि आपका गुंजे दिल खुशियों से शराब होगा, आपकी तबीयत भी ठीक होगी, मेरी नहीं ठीक, जुकाम लगा हुआ है। खैर छोड़ो दोस्तों, रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस के 50वें एपिसोड में, 50 एपिसोड हो गए यार, आज फिर हम कोई 2-4 नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल वीडियोस देखेंगे, तो इंतजार किस बात का, आज का शुगल मेला शुरू किया जाए। उसकी गाड़ी को असल में उसने पीछे से ठोका, इसलिए वो बादला लेके जा रहा है। ओ आंटी क्यों है क्यों है क्यों है क्यों, आराम से आहिस्ता, नहीं अगर इतना तेज भागा जाता तो उसकी पसीड़ कम कर लो। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। बेचारा बच्चा कंध के साथ चिपक गया, ज्यादा शोखियों में बच्चे को स्पाइडरमैन बना दिया, यकीनन बच्चे का नक चिब्बा हो गया होगा। चलो एक महीना हुन सुकून करे। नहीं ये मजाक हो। ये बताओ अभी 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगी आप, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में। बात तो सही है, दादी हिचकिचाई भी नहीं, सीधी बात, सिंपल। भाई हमें क्या पता, मैंने तू न लिया। पैकेट में एक बिस्किट कम होने पर कंपनी को जुर्माना। भारतीय शहरी शिकायत लेकर अदालत पहुंचा, बिस्किट के पैकेट का वजन कम होने पर कंपनी को शहरी को 1 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। ऐसा क्यों हुआ? अरे वाह, ये तो मस्त प्लान है। पाकिस्तान में भी बिस्किट पापड़ वगैरह में से कुछ निकलता ही नहीं, ज्यादातर हवाएं निकलती है, सबके सब चोर है साथ। अगर तो गुंजाइश है तो हमें भी फायदा उठाना चाहिए, लेकिन नहीं, सॉरी ये पाकिस्तान है, इसमें केस करने वाले को जुर्माना हो जाना है। ओ बाजी ठीक है, रोलो थोड़ा, रोलो, डराओ ना। अब्बा भी परेशान हो गया है, मैं की कीता है, वो पीछे दूल्हा खड़ा होके सोच रहे हैं, ओ यार है कि ये दूल्हा ने के भैंस है। लोग पानी में गोते खाते हैं, इसको देखो इसने रेत में गोते खाए हैं, सही पूरा मुंह ही रेत में घुस गया है, बाद में पूरा दिन ये फाफाई करती रही होगी। क्या पूछ क्या? रो रही थी क्या? बीट के ऊपर रो रही थी, म्यूजिकली क्राइंग, इसके ऊपर डांसिंग हो सकती है। वो तेरी, इसके आगे क्या हुआ होगा? खत्म, गुड बाय, गया। कुत्ता तो गाड़ी के अंदर ही बढ़ गया, पता नहीं गाड़ी वाला कुत्ते को छेड़ने लगा था या कुछ डालने लगा था, जो भी है, लेकिन कुत्ता अंदर ही बढ़ के कहता है अब बताओ। एक बात बताइए सर, एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई, हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाओ तो नीचे बाल घिरे हुए होते हैं, मैकेनिक की शॉप पे जाओ तो नीचे ऑयल घिरा हुआ होता है, ये बैंक वालों के साथ क्या मसला है? बात तो सही है, मगर डॉक्टर के पास जाओ तो दवाइयां तो नहीं ना गिरी होती, स्कूल जाओ तो किताबें तो नहीं ना गिरी होती, अदालत जाओ तो कानून तो नहीं ना गिरा होता, नहीं कानून तो गिरा होता। अबे हर बात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। डर गई, डर गई। उस गाय ने डरा दिया, जिस तरह हम इंसान थोड़ा सा डरा के चेक करते हैं, वो भी चेक कर रही थी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि उस गाय ने डराया है या खुद डरी है। साहब लाओ इनकी एडिटिंग की, ये इनका इंटरव्यू है। आजकल के निब्बे निब्बियों को भी ना बस कोई चीज चाहिए आपस में मिलाने के लिए। इन दोनों को असल में एक ड्रामा आया था, तो जो इस ड्रामे को देखता था वो निब्बे निब्बियां चाहते हैं कि रियलिटी में भी ये एक दूसरे के साथ हो जाए। हालांकि ड्रामे के एंड पे इनकी तलाक हो गई है। आजकल ना ड्रामे को लोग रियलिटी समझ लेते हैं और रियलिटी को देख के कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है। अच्छा देखा आपने लापरवाही करना। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है, पता नहीं दुनिया में भी क्या क्या हो रहा है। है ये इंसान है या इसी घास फूस में से निकला कोई कीड़ा मकोड़ा? आई एम कंफ्यूज्ड। और ये ऊपर नीचे पुड़क क्यों रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे से ग्रेविटी खींच रही है और ऊपर से हवा चल रही है। ओके ओके। एक बर्गर 30 सेकंड में खाने का चैलेंज दिया था मैंने खुद खा के वो दिखाया था। 1 2 3 टाइम स्टार्ट किया, जैसे मर्जी खाएं। शाबाश शाबाश शाबाश। बर्गर खाना भाई ने बाद में शुरू किया, लेकिन कांपना पहले शुरू कर दिया। वो खा। कोई बात नहीं, आप किसी की तरफ ध्यान ना दें, मेरी बातों की तरफ भी ध्यान ना दें, आप बर्गर खाएं भाई। टाइम तो ऐसे गुजरता है जैसे मैं कह रहा हूँ छोड़ दें, कलेक्टिंग कर दें भाई के लिए, लेकिन खाया नहीं जाएगा भाई से। बातें करनी आसान और करके दिखाना इम्पॉसिबल। ये जी 30 सेकंड ये पढ़ाई। ओ भाई, पहली बात तो ये कि खाने वाले खा जाएंगे और दूसरी बात ये कि तुम्हारा टाइमर ही गलत है। अभी मैं आपको लाइव सबूत के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, अब जैसे ही इधर से अपना टाइमर स्टार्ट कर देगा ना, हम इधर से कर देंगे। ठीक है, इसकी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। लो जी, हाँ जी रेडी है भाई। 1 2 3 टाइम गो। ये देखिए स्टार्ट हो गया। बर्गर है पुत, एम ही नांगी जाना, गुलाब जामुन मंगू। सेकंड्स पर तवज्जो रखिए जरा। 15 14 15 सेकंड में सारा बर्गर गया। शाबाश शाबाश, मुंह खाली करके दिखाना है। हाँ हाँ शाबाश 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 शाबाश, मुंह खाली कर। उसके टाइमर पे देखे 25 सेकंड हो गए हैं और रियलिटी में 18 हुए हैं। एक आध सेकंड का फर्क हो तो मानो, 7 सेकंड का फर्क ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेकिन वो 18 सेकंड में ही खा गया। अब दो उसको 3000 रुपए नाम। अजीब जानवर है। बातें करनी आसान और करके दिखाना Impossible. Are you comedy में? भाई साहब का सावला वो कह रहे थे कहना आसान है, अरे वो 18 सेकंड में कहा गया। गजब बेइज्जती है। और इसका ये जो 30 सेकंड वाला टाइमर है ना, ये रियलिटी में 21-22 सेकंड वाला है। सब के सब चोर हैं साले। असल में ये बस अपनी दुकान की मशहूरी के लिए होता है, लेकिन ये स्कीम मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। वो चलो इसी बहाने चले जाएंगे कि चलो कम अज कम बर्गर तो फ्री खाने को मिलेगा ना। मस्त प्लान। क्या जुए में हारे हुए पैसों का कर्ज देना लाजिम है? अगर मेरे वालिद ने किसी से जुए में पैसे हारे तो क्या वो मुझ पर लाजिम है कि मैं अदा करूं? रहनुमाई फरमाए। नहीं जी, जुए में जो कुछ हारा जाता है कुछ भी लाजिम नहीं होता और इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। जब भी आप जुआ खेलें तो उसूल याद रखें, तो आपने गुनाह किया, हार गए तो भाग जाएं आप। खैर यार दोस्तों, आज के लिए सिर्फ नहीं था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक 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 करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।